नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सैटरडे वेबिनार स्टोरी में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है माँ गंगा और रजाई का डब्बा। आपको पता है ना माँ गंगा, गंगा हमारी रिवर का नाम है। तो इस स्टोरी में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी याद करने को, लर्न करने को मिलेगा, और वो लेसन है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमारे पेड़ों की कितनी जरूरत है, पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जब आपको मौका मिले आपको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, माँ गंगा और रजाई का डब्बा। इस कहानी में एक लड़की है, उसका नाम है यशु। यशु बैठी है अपने घर के खिड़की में और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो पहाड़ों में रहती है, माउंटेन्स में, और दूर चारों तरफ उसके पहाड़ हैं। दूर दूर तक वो पहाड़ों को देख रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है, पहाड़ गहरे और ऊंचे ऊंचे हैं, और देख रही है माँ गंगा को बहते हुए, तेज ऊपर नीचे, इतनी तेज बह रही है माँ गंगा रॉक्स के ऊपर, कैरिंग द मड, और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले जाते हुए, और जो कि वो ले जाकर सी में डाल देंगी। ओह, यशु सोच रही है, एक और बाढ़। आपको पता है बाढ़ क्या होती है? बाढ़ होती है फ्लड, जिसमें सब कुछ बह जाता है, पानी के साथ साथ नदी, पानी के साथ साथ मिट्टी, पेड़, घर भी। कई बारी पेड़ बहाव, नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो अपने साथ साथ सब कुछ ले जाता है। तो यशु को तो बहुत डर लगा, एकदम से कहा उसने, फिर से फ्लड आ जाएगी। डजंट माँ गंगा को पता नहीं है क्या कि हमारे पेड़ कितने इंपॉर्टेंट हैं? हम अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम पेड़ कहाँ लगाएंगे? क्या माँ गंगा को ये पता नहीं है? क्योंकि माँ गंगा जो है वो अपने साथ साथ सारी मिट्टी को बहा कर लेकर जा रही है। यशु को बहुत गुस्सा आया और यशु ने बोला, माँ गंगा आप क्या कर रही हो? आप अपने साथ सारी मिट्टी लेकर जा रही हो। माँ, उसको ऐसे लगा कि उसके अंदर से आवाज आई है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जोर से ये जो हिल, ये जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा यशु को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से माँ गंगा बोली हो। और यशु माँ गंगा को देखकर गुस्सा भी कर रही है कि आप सारी मिट्टी लेकर जा रही हैं, हमारे पेड़ कैसे उगेंगे? माँ गंगा का जवाब आया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि माँ गंगा उससे बात कर रही है। तो माँ गंगा बोली, मुझे तुम्हारी मिट्टी नहीं चाहिए। डू यू थिंक कि मुझको सारा गंदा होना है? क्या तुम सोचते हो कि मैं मिट्टी में रहना चाहती हूँ और मैं अपने ऊपर इतनी सारी मिट्टी लेकर पहाड़? मुझे क्या पता नहीं है कि विलेजर्स विले यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की कितनी जरूरत है? बट जब तुम ध्यान नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? तुम्हें पता है बहुत साल पहले शिव जी, आपको पता है शिव भगवान है, तो उनकी जटाओं में माँ गंगा रहती हैं। तो माँ गंगा बोली कि तुम्हें पता है शिव जी ने मुझे अपनी जगह, अपने सर में, अपने बालों में, अपनी जटाओं में जगह दी थी, और अब क्या मैं, अब मुझे वहां जगह नहीं मिल रही, तो क्या मैं तुम्हारे घरों को फ्लड में नहीं करूंगी? क्या मैं वहां से निकलती हूं तो फ्लड आ जाती है, मेरे को जगह ही नहीं मिलती, मेरे को पेड़ ही नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता? एंड फाइन, यशु की रजाई में जाकर, रजाई के डब्बे में जाकर घुस गई। यशु को ऐसे लगा कि उसके रजाई के डब्बे में माँ गंगा जाके घुस चली गई हैं और वहां छुप गई हैं। एकदम से सबको लगा, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए और यशु को बोलने लगे, तुमने ये क्या करा है? माँ गंगा को तुमने अपनी रजाई के डब्बे में बंद कर दिया?
ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तो सब लोग गुस्सा कर रहे हैं, यशु को डांट रहे हैं और बोल रहे हैं माँ गंगा को रजाई के डब्बे में से बाहर निकालो, तुम उनको कैसे बंद कर सकती हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। लेकिन क्या हुआ, माँ गंगा रजाई के डब्बे में जाके सो गई। अब सब लोग गुस्सा हो रहे हैं तो यशु जाकर बोली माँ गंगा क्या बाहर नहीं आओगी, आप इसी में रहोगी? तो माँ गंगा धीरे से बोली मैं तुम सबको एक साल का समय, एक साल का टाइम देती हूँ और वो टाइम क्या है कि तुम फिर से मुझे शिवजी के लॉक्स, शिवजी की जटाओं में से जो लॉक्स हैं वो ढूंढ कर ला दो। मुझे नहीं लगता कि गांव वाले ये सब कर सकते हैं, वो वापस आएंगे, मुझे लगता है गांव वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे और वो मुझे इस रजाई के डब्बे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मैं अपने ऊपर, माँ गंगा बोल रही है, मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लेकर थक गई हूँ, तुम सब लोग मुझे ही ब्लेम करते हो, मैं फ्लड लाती हूँ, मैंने मिट्टी हटा दी, मैंने ये करा, माँ गंगा ने ये करा, माँ गंगा ने ये करा, अब मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। यशु बोली माँ क्या तुम इस डब्बे में बंद रहोगी, क्या तुम हमें थोड़ा सा समय दोगी, हमें समय दे दो, हम प्रॉमिस करते हैं हम जरूर वापस आएंगे और तुम्हें इस डब्बे से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी विश पूरी करेंगे। तो सब लोग जो थे वो एक बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो गए। लोग, गांव के जो लोग थे सारे, वो कहां जमा हो गए, वह सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो गए और सब सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, ये कैसे मुमकिन होगा, हम क्या करें कि हम एक साल में तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, माँ गंगा ने तो इतना बड़ा काम दे दिया है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे ऐसे। सब जोर जोर से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो यशु बोली सुनो सुनो मेरे पास एक आइडिया है, सोचो माँ गंगा क्या चाहती है हम सबसे, क्या चाहती है माँ गंगा? सब लोग बोले क्या चाहती हैं, हम ऐसा क्या करें? तो यशु बोली देखो तुम कहाँ बैठे हो, तुम बरगद पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो और उसकी रूट्स, उसकी जड़ों को देखो। पीपल के पेड़ की जड़ें आपने कभी देखी है, कितनी सारी होती हैं और एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बंधी होती हैं, है ना? तो यशु ने बोला देखो और हमारे पास जो आइडिया है वो ये है कि हम अपने चारों तरफ, हर तरफ पहाड़ों में, जमीन पर, नीचे पेड़ लगा दें। क्या कर दें? पेड़ लगा दें और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ लेंगी। यशु ने सबको आइडिया दिया और सब लोग इधर उधर देखने लगे कि ये तो दूर दूर तक पेड़ हैं ही नहीं पहाड़ों पर, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम पेड़ लगाएंगे। तो सब लोग काम पे लग गए, जब तक कि पेड़ हर जगह उन्होंने पेड़ नहीं लगा दिए, वो काम करते रहे। और थोड़े दिनों में ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया कि उन्होंने दूर दूर तक उनको क्या नजर आया, ग्रीनरी, सुंदर पहाड़ सुंदर हो गए, नीचे जमीन सुंदर हो गई। और यशु के आइडिया ने क्या किया, यशु के आइडिया ने विलेज को, गांव को ग्रीन कर दिया, इधर ग्रीनरी, दूर दूर तक ग्रीनरी हो गई। लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे उन्होंने कभी पहले काम किया ही नहीं था, इतने अच्छे से मन लगाकर होल पूरा जो गांव था वो दोबारा जी उठा। सबने देखा, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। सब देखकर बोले ओ यशु देखो हमने शिवा के, शिव जी के लॉक्स वापस ढूंढ लिए, अदरवाइज नहीं तो
ये पानी को मिट्टी जो है, ये जो जड़े हैं वो जो मिट्टी को उन्होंने रोक लिया है, नहीं तो वो पानी उस मिट्टी को अपने साथ ले जाता और हमें पानी भी नहीं मिलता, पानी रुकता ही नहीं कहीं पे। देखो चारों तरफ पानी पानी हो गया है और क्या हो गया है, सुंदरता, ग्रीनरी। एक साल बीत गया, गंगा बाहर निकली रजाई के डब्बे में से और उसने देखा चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, खुश हो गई देख के बाहर। और उसने सोचा कि बच्चे खेल रहे हैं नदी में, इधर से उधर जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, सुंदर पहाड़ों में पेड़ों में खेल रहे हैं। और उसने एक बारी फिर सोचा कि लोगों को समझ आ गई है। माँ गंगा को सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, माँ गंगा हमार से दूर मत जाइए, हमसे दूर मत जाइए, हम सब लोगों को मत छोड़िए, आपके पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। तो माँ गंगा बोली, तुम लोगों के पास अभी और भी बहुत कुछ है करने के लिए, अभी एक काम बचा है, माँ गंगा बोली। और वो जाकर यशु की रजाई में फिर से बैठ गई। एक दो साल बीत गए, कैसे बीत गए, आंख बंद करी खोली और दो साल बीत गए, पता भी नहीं चला। यशु और विलेजर सब इकट्ठे हुए माँ गंगा को रजाई के बॉक्स में से बाहर निकालने के लिए। एंड जब माँ गंगा रजाई के बॉक्स में से बाहर निकली, उन्होंने क्या देखा, एकदम से वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने देखा चारों तरफ पेड़ ही पेड़, क्योंकि पेड़ ऊंचे हो गए थे, बड़े हो गए थे, और छोटे छोटे जो झाड़ियां थी सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और वो चारों तरफ हिल्स में, वैलीज में, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो गए थे। सुंदर, बहुत सुंदर पेड़ पहाड़, इतने सुंदर हरे हरे लग रहे थे। आह, अब मुझे अपने शिव जी के लॉक्स वापस मिल गए हैं। और मुझे ये भी, आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि इनकी कितनी जरूरत है। सूरज निकला, सबके चेहरों पे स्माइल थी और सब बहुत खुश थे। सबने माँ गंगा को थैंक यू बोला और माँ गंगा को बोला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ वापस आ गई हो। माँ गंगा बहुत खुश हुई, रजाई के बॉक्स में से बाहर निकली और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोबारा अपने रास्ते पर बहने लगी। क्लियर, सुंदर, और नीचे जब समुद्र में जाके मिली तो इतनी खुश हुई, क्योंकि इस बार उनमें क्या नहीं था, कौन बताएगा, इस बार माँ गंगा में मिट्टी ही मिट्टी नहीं थी, क्योंकि पेड़ों ने मिट्टी को पकड़ लिया था। पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी हमारी लूज रहेगी और वो मिट्टी पानी के बहाव के साथ चली जाएगी। और हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल भी कितनी इम्पोर्टेंट है। वेजिटेशन, सब्जियां लगानी है, फलों के पेड़ लगाने हैं, हर चीज के लिए मिट्टी भी चाहिए, है ना। और मिट्टी को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी को पकड़ने के लिए चाहिए पेड़। तो हम सबको पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। गर्मी होती है तो हम क्या ढूंढते हैं, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, पेड़ की छांव, हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, है ना। तो पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सीजन में इंपॉर्टेंट है, और पेड़ों की इंपॉर्टेंस आपको इस कहानी से भी पता चली होगी। तो हमारी कहानी का नाम था माँ गंगा और रजाई बॉक्स। मुझे लगता है आपको कहानी पसंद आई है और आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। थैंक यू।